Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. सेक्शन ए जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 29 जनवरी 2023 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे गिवन हुई है, ठीक है। यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल्स दिए एंड उनके नेम्स, ठीक है। तो सबसे बोला गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है। भाई नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है हमारा, दैट इज पेनिसिलिन। क्या होता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो देखो पहले ए का थर्ड किस किस में दे रखा है भाई। ए का सेकंड ये ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड में ए का सेकंड ये नहीं हो सकता, ठीक है। टू में ए का फर्स्ट और फोर में क्या दे रखा है, दैट इज ए का थर्ड, तो ये हो सकता है, ठीक है भाई। ये तो पहले ऑप्शन से ही पता चल गया, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सा होता है हमारा, दैट इज क्लोरोइम्फेनिकोल। तो क्लोरोइम्फेनिकोल डी का फोर्थ, देखो बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल और कंफर्मेशन हो गया कि आंसर नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर होगा। जो डिसइनफेक्टेंट होता है हमारा, दैट डिसइनफेक्टेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ डिसइनफेक्टेंट काम करती है। और जो हमारा एंटीसेप्टिक है, दैट इज फ्यूरासीन है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। Is that point clear?